ऑपरेशंस, बढ़ती कमाई और बेहतर ऑर्डर बुक, अपग्रेडेशन और रीरेटिंग के इंतजार में जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर रही है एक सब्सिडियरी ऑफ यूएस पेरेंट फॉडलर आईएनसी। उसने फरवरी 2021 में अपने पेरेंट कंपनी में खरीदा 54% शेयर, जिसके बाद सितंबर 2022 में बैलेंस 46 भी उसने खरीदते हुए अपने पेरेंट कंपनी को एक होली ओन्ड सब्सिडियरी में कन्वर्ट किया और साथ में पाया टोटल टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस। जीएमएम फॉडलर की खासियत बढ़ती हुई इक्विटी, साथ में साइजेबल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसमें मौजूद लॉन्ग टर्म डेट करीब 800 करोड़ और कंपनी का इंटेंशन 5 साल में डेट फ्री बनने का। इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 26% कमाने में रही है सफल। कंपनी का जनरेशंस फ्रॉम ऑपरेशंस साइजेबल और प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ, कंसिस्टेंट ग्रोथ पाया गया है ऑपरेशंस में। अपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करते हुए कंपनी ने प्रोवाइड किया है एडिक्वेट फंड्स। साइजेबल पिछले 3 सालों में, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। कंपनी के रेवेन्यूज में हर क्वार्टर बढ़त लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 25% से भी ज्यादा पिछले 4 क्वार्टर्स में। EBITDA परसेंटेज भी देखा गया कि पिछले 4 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर करेस्पॉन्डिंग क्वार्टर से ऊपर की ओर पाया गया। टोटल टर्नओवर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 30% ऑफ रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा है 50%। बैलेंस आता है ओवरसीज ऑपरेशंस से। फॉडलर INC का रिप्रेजेंटेटिव DBAG जीएमएम फॉडलर में होल्ड करता है 50.4%। उसमें से सितंबर 2020 में ऑफर फॉर सेल में बेचा गया 18%। प्राइस था मार्केट हाई को रखते हुए 33% डिस्काउंट। 2 साल बाद दिसंबर 2022 में और एक लॉट बेचा गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस में 17% और डिस्काउंट रहा करीब 18%। प्राइस था 1700, जिसके बाद DBAG के पास बचा 15%। इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, DIIs और FPIs होल्ड करते हैं प्रमोटर्स से ज्यादा। रिसेंट सेल के बाद कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद नीचे की तरफ चल पड़ा, वो एक कंसर्न की बात है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा तो हो सकता है DBAG फिर से अपने पास का 15% मार्केट में सेल करे। हर साल बढ़ता हुआ मार्केट कैप, लेकिन दिसंबर स्टेक सेल के बाद पाया जाता है करीब 6,600 करोड़ के पास स्टैग्नेट होते हुए। इसके साथ बढ़ते हुए प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से PE मल्टीपल गिरकर पहुंच गया है 28.6, जिससे कंपनी का प्राइस बहुत अट्रैक्टिव बन गया है। इसका साथ दिया है प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, जो गिरकर पहुंच गया है 8.1। डेली चार्ट पर खासकर पिछले 9 महीनों में कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ और पाया जाता है सभी एवरेजेस के नीचे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। ये एक बैरिशनेस का इंडिकेशन है। मार्च 2020 से करीब 2 साल तक असेंडिंग चैनल में मूव करते हुए प्राइस अपना दिशा बदलता है स्टेक सेल के बाद और दिसंबर 2022 के बाद असेंडिंग चैनल के लोअर बेस से भी नीचे गिरकर बैरिश जोन में पहुंच जाता है। आजकल उसका मूवमेंट रहा है डिसेंडिंग चैनल में, लेकिन क्वांटिटी कम रहने की वजह से मोमेंटम में वीकनेस पाया जाता है। फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोसेस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जीएमएम फॉडलर अपने दुनिया भर के करीब 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, जिनको पाया जाता है इंडिया, चाइना, US और यूरोप में। अपने रेवेन्यू में से ग्लास लाइंड इक्विपमेंट से पाता है करीब 60% और साथ में रखता है टेक्नोलॉजी लीडरशिप। कंपनी ने हेविली इन्वेस्ट किया है दूसरे डिविजन्स में भी, जैसे मिक्सिंग और फिल्ट्रेशन। कंपनी के लिए पॉजिटिव ये भी है कि वो मार्केट में पिछले 5 दशकों से बहुत सक्सेसफुल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स से कंपनी इनपुट इन्फ्लेशन का सामना कर रही है और केमिकल और फार्मा सेक्टर में स्लोडाउन की वजह से कंपनी के रिजल्ट्स पर असर हुआ है। कंपनी आशा करती है कि केपेक्स अपसाइकल बहुत जल्द नॉर्मल सी पकड़ेगी। कंपनी ने गाइडेंस दिया है FY25 के लिए क्वाइट रियलिस्टिक रेवेन्यू, EBITDA और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। अपने टेक्नोलॉजी लीडरशिप,
स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस और पिछले कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हो सकता है कंपनी अपने गाइडेंस को आसानी से अचीव कर पाए। जेएमएम फॉडलर के पॉजिटिव्स में ग्लोबल लीडरशिप, सॉलिड बैलेंस शीट और कॉन्फिडेंट गाइडेंस, नेगेटिव्स में डिसेंडिंग चैनल और फर्दर स्टेक सेल की संभावना। आशा करते हैं जेएमएम फॉडलर पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @stocklearningsimplified। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें।